एंड गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट्स दिस इज मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आई एस वॉरियर्स सो गाइज आज हम वर्कशीट नंबर सेवेंटी फाइव सॉल्व करने वाले हैं साइंस की और ये वर्कशीट आपकी बीस 20 जनवरी दो हज़ार इक्कीस के लिए आपको दी गई है जैसे कि आपको पता है कि साइंस का हमारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है क्लास नाइन हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा था वाई डू वी फॉल इल इसमें एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है पैथोजेंस पैथोजन्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे जानेंगे उसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करेंगे सबसे पहले आपको हम वर्कशीट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेलाइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे ज्ञान पूछ रहे हैं जिज्ञासा दीदी वी हैव सीन दैट वी फॉल इल ड्यू टू वेराइटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स वाई शुड वी लर्न अबाउट दीज डिजीज एंड देयर पॉजिटिव एजेंट्स ज्ञान पूछ रहे हैं कि हम क्यों बीमार पड़ते हैं ये हमने पढ़ा तरह तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स की वजह से पढ़ते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने लास्ट वर्कशीट वर्कशीट 74 में डिस्कस किया था अगर आपने वो नहीं देखी है मंडे वाली वर्कशीट तो वो आप जाके देख सकते हैं ठीक है वाई शुड वी लर्न अबाउट डीज डिजीज एंड देयर कॉजिव एजेंट्स हमें क्या ज़रूरत है इनके बारे में पढ़ने की और जानने की जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं जैसे आपकी सिस्टर्स रिप्लाई करती हैं आपको मैं आपको समझाती हूँ ज्ञान वी नो दैट द डिजीज वेयर माइक्रोब्स इन्फेक्शियस कॉजेटिव एजेंट्स यानी इन्फेक्शियस एजेंट्स वो एजेंट जो इन्फेक्शन फैलाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स या कॉजेटिव एजेंट्स भी कहते हैं आर द इमीडिएट कॉज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज ये एक इमीडिएट यानी तात्कालिक कारण होते हैं किसी भी इन्फेक्शन फैलने का या इन्फेक्शियस बीमारी होने का तात्कालिक मतलब इमीडिएट रीजन वी शुड लर्न अबाउट वी शुड लर्न अबाउट कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स बिकॉज दैट हेल्प इन डिटेक्टिंग अबाउट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज अगेंस्ट देम हमें ये किस कैटेगरी में आते हैं वो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है मतलब इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है ये पता चल गया उसके बाद इन्फेक्शियस डिज़ीज़ को भी हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कैटेगरी वन टू थ्री ठीक है अकॉर्डिंग टू देयर माइक्रोब्स और अगर हमें ये आइडेंटिफाई कर लें कि, कि किस माइक्रोब की वजह से बीमारी हुई है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं जैसे कि सबसे पहले क्या पता लगाते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से हुई है भाई वायरस की वजह से हुई है ठीक है एग्जाम्पल दे रखा है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन विल वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टेरियल इन्फेक्शन अगर आपको आपको कहते हैं ना टेका एंटी बैक्टेरियल टेका एंटीवायरल तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तभी तो आप एंटी बैक्टेरियल लेंगे तभी तो बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटी बैक्टीरिया काम करेगा आपको बीमारी हुई है इन्फेक्शन से तो क्या आप एंटी बैक्टीरियल लेंगे तो वो काम करेगा नहीं काम करेगा ठीक है डिजीज कॉज बाय द वायरस अदर पैथोजन इसी तरीके से वायरस और और भी सारे पैथोजेंस होते हैं देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग एंड देयर इज़ आ वाइड रेंज ऑफ सच कटेगरीज और इस तरह के कैटेगरी की बहुत बड़ी रेंज है सम ऑफ दीज आर बैक्टीरिया वायरस फंगी प्रोटोजोआ एसेट्रा इसमें से कुछ क्या है बैक्टीरिया होते हैं कुछ कुछ वायरस होते हैं फंगी होते हैं एंड एंड प्रोटोजोआ सो ऑन इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज पैथोजंस एंड व्हाट इज वैक्टर्स वेक्टर्स क्या होते हैं देखिए गाइज अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है अगर जो बच्चे केवल आंसर कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो आप टाइम चला गया है कि तब ठीक है आप सिर्फ टीचर के लिए कर रहे थे आपको पता है कि टेंथ ट्वेल्थ के लिए स्कूल खुल रहे हैं इसी तरह आपके लिए भी स्कूल खुले जाएंगे अल्टरनेट डेज़ पे आपको स्कूल भी बुलाया जाएगा तो इन सब को मैनेज करने के साथ आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करनी है लास्ट टू मंथ्स हैं तो आपको वर्कशीट में अगर पढ़ाया जा रहा है तो बी केयरफुली यहीं से चैप्टर समझ लें बाद के लिए पेंडिंग मत छोड़ें पैथोजनस दीज आर डिजीज कॉजिंग एजेंट दैट कॉज डिजीज इन अदर ऑर्गनिज्म दीज पैथोजन इंक्लूड हार्मफुल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गनिज्म सच एस बैक्टीरिया वायरस फंगी प्रोटोजोवा पैरासाइटफॉर्म्स तो क्या होता है दीज आर द डिजीज कॉजिंग एजेंट पैथोजन क्या होते हैं बीमारी फैलाने वाले एजेंट होते हैं ऐसे एजेंट जो बीमारी फैलाते हैं इन अदर ऑर्गनिज्म दूसरे ऑर्गनिज्म में ये खुद एक ऑर्गेनिज्म है आपने पढ़ा है लिविंग नॉन लिविंग तो ये खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं इसलिए हम इन्हें पैथोजंस कहते हैं वैक्टर क्या होता है वैक्टर और दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैरी अ पैथोजन वैक्टर वो होता है जो पैथोजन को कैरी करता है जैसे मैं बोलूँ कि भाई बस है ठीक है आपकी बस है स्कूल बस तो ये बस क्या हो गई वेक्टर हो गई सॉरी वैक्टर हो गई वैक्टर क्यों ये कैरी कर रही है किसको स्टूडेंट्स को इसी तरीके से वो सब चीज़ वेक्टर हो वैक्टर होगा जो पैथोजेंस को कैरी करे इसके अंदर अगर पैथोजेंस को ये लेके जाए तो ये बस क्या हो जाएगी वैक्टर हो जाएगी वैक्टर आर दोज ऑर्गनिजम दैट कैरी पैथोजन फ्रॉम द होस्ट होस्ट के लिए ये पैथोजन को कैरी करता है टू आ रिसिपियेंट हेल्दी मॉस्किटो रैट डॉग मंकी ठीक है इनके द्वारा फैलता है एंड कंटेन वेक्टर दैट कैरी इन्फेक्शियस डिजीज रेबीज वेक्टर बोन डिजीज तो आप ये देख सकते हैं कि वेक्टर का मतलब जैसे कि मच्छर क्या होता है वो कारक होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया या वायरस होता है तो उसके द्वारा फैलता है तो मच्छर क्या हो गया वैक्टर हो गया और उसके अंदर जो वायरस या बैक्टीरिया है वो उसका पैथोजन हो गया ठीक है ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी अब आपको एक यहाँ पे चार्ट दिखाया हुआ है देखिए यहाँ पे हमने कुछ डिजीज़ के बारे में अभी यहाँ पे बात किया कि डिजीज़ जो फैलती हैं डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से फैलती हैं उन्हें हम बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं जिसके लिए आप एंटीबैक्टीरियल दवा लेते हैं बोलते हैं ना एंटीबायोटिक ले लीजिए और जो वायरस से फैलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एंटी उसके लिए आप लेते हैं ठीक है और इसके बाद डिजीज़ कॉज बाय प्रोटोजोआ इसको हम क्या बोलते हैं प्रोटोजोअल इन्फेक्शन बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन डिजीज़ कॉज बाय पैरासाइट फॉर वाम किसी तरह के पैरासाइट या वाम की वजह से होता है तो उसे हम पैरासिटिक वाम बोलते हैं और फंगी की वजह से होता है तो ये बीमारियों की लिस्ट दी गई हैं गईस तो आपको इसमें से कुछ कुछ बीमारियों के नाम पता होना चाहिए पूरी लिस्ट नहीं बट आपको टू टू थ्री एग्ज़ाम्पल हर बैक्टीरिया या माइक्रोब से होने वाली बीमारी के नाम पता होने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि टाइफाइड फीवर हो गया टीबी हो गया, ठीक है, कॉलरा हो गया कफ हो गया ठीक है एंथ्रा हो गया ये सारी बीमारी किससे फैलती है बैक्टीरिया से फैलती है वायरल डिजीज के अगर नाम बोले तो स्मॉल पॉक्स हो गया एड्स हो गया ठीक है ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए वायरल के इसके अलावा अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो मलेरिया ठीक है इसके अलावा कालाजार कहते हैं ये सारी स्लीपिंग आ, सिकनेस सोने की दिक्कत होती है और इसके बाद है हमारी पैरासाइट वाम पैरासाइट जो किसी पैरासाइट या वाम से डिजीज़ फैलती है उनके नाम क्या हैं जैसे पिन वाम टेन वाम हुक वाम एलिफेंथिया एलिफेंथिया भी हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि एक तरह के टेप वाम से ये डिजीज़ होती है इसके बाद डिजीज़ कॉज बाय फंगी फंगी से कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि नेल इन्फेक्शन रिंग वार्म ये सारी डिजीज़ के एग्जाम्पल्स हैं अब यहाँ पे आपको फोर क्वेश्चंस दिए हुए हैं सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि हम क्या सारी बीमारियाँ माइक्रोब्स की वजह से होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं ठीक है ये सारे क्वेश्चंस अब करेंगे उससे पहले आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज ये है कि आपको एक फिजिकल डिस्टेंस मेनटेन करके रखना है फाइट अगेंस्ट कोविड अब हम सोल्यूशन देखते हैं आर ऑल माइक्रो ऑर्गनिज्म हेल्प हार्मफुल टू अस क्या सारे माइक्रो ऑर्गनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं एक्सप्लेन करो तो देखो माइक्रो ऑर्गनिज्म किसे कहते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म जिसे आप नेक डाई से नहीं देख सकते वो सारे माइक्रो ऑर्गनिज्म होते हैं बेसिकली हम इसे फाइव कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बैक्टीरिया वायरस फंगी प्रोटोजोवा एंड एल्गी ठीक है तो पूछ रहे हैं कि जितने भी माइक्रोव होते हैं वो हार्मफुल होते हैं तो नो सम माइक्रो ऑर्गनिज्म आर नॉट हार्मफुल कुछ माइक्रो ऑर्गनिज्म हार्मफुल नहीं होते हैं इनफैक्ट सम आर क्वाइट हेल्पफुल और बल्कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं लाइक बैक्टीरिया दैट इज़ फाउंड इन योर गट जैसे कि हमारे गट में जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो बेनिफिशियल होता है इसके अलावा दही यानी कर्ड में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है कर्ड में जो हेल्प करता है उसे कर्ड बनाने के लिए तो वो भी हार्मफुल नहीं है हमारे ब्लड में पाया जाता है इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया हैं जो बेनिफिशियल होते हैं बट अ अ ऑफ ऑफ देम कॉज लॉट डिजीज इन मैन एंड अदर ऑर्गेनिज्म बट जो मेजोरिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो यही होती है कि डिजीज फैलाने वाली होती है बट हम ये नहीं कह सकते कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं ठीक है जैसे एल्गी की बात करें तो एल्गी इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट इट इज हेल्पफुल इट इज यूज इन वेरी काइंड ऑफ फ्रूट्स बहुत सारे तरह के फूड्स में यूज होता है एल्गी व्हाट आर द इन्फेक्शियस डिजीज डिजीज फॉर माइक्रोब इन्फेक्शियस आर इमीडिएट कॉज आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज़ जिसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं और इमीडिएट रीज़न बनते हैं किसी बीमारी के होने का वो इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं नेम फाइव डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली पाँच पाँच बीमारियाँ बतानी हैं तो यहाँ पर आपने टनस टेटनस लिख लिया टाइफाइड फीवर निमोनिया ठीक है और प्लेगू टी बी कॉलरा ये हो गई और वायरस से होने वाली हमारी हो गई इन्फ्लुएंजा डेंगू फीवर चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स मिसेल ठीक है एड्स ये सारी वायरस से होने वाली डिजीज हो गई किसी और बाकी भी माइक्रोब से होने वाली पांच पांच बीमारियां आपको पता होनी चाहिए नेम द कोजर्टिव एजेंट ऑफ काल कालाजार और स्लीपिंग सिकनेस इसमें कौन सा एजेंट है इन्फेक्शियस एजेंट है उसका नाम बताना है तो प्रोटोजोआ इज द एजेंट ऑफ दिस टू काइंड ऑफ डिजीज तो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर सेवेंटी फाइव आपको कमेंट करके बताना है कि एड्स का एजेंट कौन होता है इन्फेक्शियस एजेंट कौन होता है उसे कमेंट सेक्शन में बताना है ये आपका क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया से होता है वायरस से होता है प्रोटोजोआ ठीक है किससे ये बीमारी होती है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है आपको पता है बैक्टीरिया वायरस फंगी प्रोटोजोआ एक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है जो करेक्ट होगा और चैनल को लाइक करना है शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करके रखना है जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको फास्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा